रीवा के चोराटा थाना अंतर्गत भिटवा गांव में चला चाकू। पुरानी रंजिश में पिता और पुत्र दोनों पर किया गया चाकू से हमला। दोनों गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती, पुलिस जुटी जांच में। रीवा के चोराटा थाना अंतर्गत भिटवा गांव में चला चाकू। पुरानी रंजिश में पिता पुत्र पर किया गया हमला। चाकू से हमला, दोनों गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। रीवा के चोराटा थाना अंतर्गत भिटवा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर चाकूबाजी की घटना आई सामने। इन दिनों रीवा में चाकूबाजी की घटनाएं आम हो गई। यहां बैकऑफ अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। घटना शहर से सटे चोराटा थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में पिता पुत्र सहित चाकू पर हमला कर दिया गया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में पिता पुत्र को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। हम आपको बता दें, चोराटा थाना के ग्राम भिटवा में पुराने विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। दो पक्षों में शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई, जिस दौरान आरोपियों ने चाकू से हमला कर पिता पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया गया कि चाकू के हमले से ग्राम भिटवा निवासी पिता पुत्र राकेश विश्वकर्मा, पिता रमेश विश्वकर्मा दोनों शामिल हैं। आरोप है कि सत्यम सिंह नाम के शख्स से हुए विवाद के दौरान सत्यम ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पिता पुत्र पर चाकू से हमला कर दिया। गांव में हुई चाकूबाजी की इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। सरपंच शेषमणि पांडे व परिजन की मदद से घायल पिता पुत्र को अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद चोराटा पुलिस मौके पर पहुंच गई, आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित और घायलों के बीच पूर्व में भी विवाद हुआ था, जिस पर आरोपियों के खिलाफ पूर्व में ही थाने में अपराध दर्ज। रीवा में इन दिनों अपराध का ग्राफ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। छोटी छोटी बातों में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसको कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपसी विवाद के चलते जिस तरीके से पिता पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और संजय गांधी अस्पताल पहुंच गए, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है, अपराधी फरार हो चुका है। अपराधी छोटी सी बात पर चाकू चलाता है, उसके बाद फरार हो जाता है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में घटना में घायल लोग और चोराटा थाने के प्रभारी अविनाश पांडे ने हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। ये सत्यम सिंह परिहार ढेगहा, ये हमारे ऊपर हमारा पारिवारिक विवाद था। हमारे परिवार वाले इसको सुपारी दिए थे 10,000 रुपया। 2 महीना पहले भी हमारे ऊपर वार किया था सिविल लाइन में। हमारे परिवार के लोग ऋतिक और मंटू ये पैसा दे के हमको मरवाए थे 2 महीना पूर्व पहले, जहाँ सिविल लाइन की घटना है। सिविल लाइन में हम रिपोर्ट किए, मुकदमा कायम हुआ। हमको आज 3 दिन से वो डेली रात में फ़ोन लगाता था सत्यम सिंह परिहार कि तुमको गोली मार देंगे, नहीं तो तुम कंप्रोमाइज कर लो। मोबाइल में 10-10 लड़कों की फ़ोटो भेजता था, तुमको मार देंगे। हम दुकान से काम करके हम और अपने पापा जी चले आ रहे थे। हमको 5 की संख्या में सामने गाड़ी लगा के हमारे ऊपर चाकू से हमला किया गया। इस सत्यम सिंह को ये ढगहा का सत्यम सिंह और 2-3 लड़के थे, अंधेरे का फायदा उठा के दो मोटरसाइकिल में थे। कोई नहीं है हमारे में, पता ही नहीं। अभी लड़के को मारे थे 2 महीने पहले, राकेश को, उसको भी मारा है, हमको भी मारा है। दुकान से घर आ जा रहे थे। बिटवा गांव में पिता पुत्र के ऊपर सत्यम सिंह नामक व्यक्ति है, ढका का रहने वाला है, उसने हमला किया है। इनका पुराना कोई विवाद है, इसी बात को लेकर उसने हमला कर दिया है। अभी दोनों की स्थिति गंभीर नहीं है, मतलब खतरे से बाहर है दोनों लड़के। सत्य कह रहे हैं कि इसके पूर्व भी मोहल्ला का शिकायत। हाँ, इसके सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज हुआ है और उसी मामले को लेके वो उनसे राजीनामा कराना चाह रहा था।